और ये मेरे को ऐसा लग रहा है मैं BMW में बैठ गया। 400 रुपए में आपकी गाड़ी जो है 280 किलोमीटर विद एसी चलेगी। कहाँ 4000 और कहाँ 400, बहुत ही ज्यादा फर्क है। अभी हमारे लायक कुछ है यहाँ पे? सब कुछ है, सारी गाड़ियाँ आपके लायक ही हैं। अच्छा, ईवी मिलेगी? एक्चुअली मेरा ना जिमनी का पेट्रोल का बड़ा खर्चा आ रहा है, तो मैं एक ईवी प्लान कर रहा हूँ। मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी, ईवी के लिए तो हम सबसे पहले बैठे हुए। चलो कोई नहीं, तो एक बारी आपको ईवी भी दिखाएंगे। गाड़ी के पास आ चुके हैं। क्या कि अब मैं डेली गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है, जिमनी चलाता हूँ, और हर दिन जैसे आप भी मेरी वीडियोस देख रहे हो ना, ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जिस दिन मैं पेट्रोल डलवाने के लिए गाड़ी में ना रुकूं, मतलब हर दिन डलवाना ही पड़ता है। इस गाड़ी की पहले हमें खासियत बताओ कि कितना फर्क पड़ेगा। एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी में जैसे फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी जैसे अभी जिमनी आप ड्राइव कर रहे हैं, 40 लीटर का टैंक है उसका, तो अप्रॉक्सिमेटली कितना आपका तेल लग जाता है उसका? मतलब 40 लीटर का है तो वो 350 किलोमीटर चलेगी उसमें। मतलब 4000 का तेल लगेगा, 350 किलोमीटर चलेगा। बिल्कुल। एंड सेम यहीं पे भैया, अगर आप जैसे हमारी ईवी ले रहे हैं, 39.4 किलो वाट की बैटरी है इसकी, ठीक है, तो अगर आपने 1 किलो वाट चार्ज करना है तो आपका 1 यूनिट कंज्यूम होगा। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि फ्यूचर में 10 रुपये यूनिट भी हमारे यहाँ पे हो रहा है, तो मान के चलते हैं 400 रुपये में आपकी गाड़ी फुल चार्ज है, और 400 रुपये में आपकी गाड़ी जो है 280 किलोमीटर विद एसी चलेगी। क्या आप बात कर रहे हो, इतना सस्ता? कहाँ 4000 और कहाँ 400, बहुत ही ज्यादा फर्क है। तो एक बारी गाड़ी मैं आपको, क्योंकि मैं कभी भी एक ईवी के अंदर वैसे बैठा नहीं कुछ नहीं, तो मैंने कहा चलो, ईवीज वैसे तो बहुत सी कंपनीज की आती हैं, बट आपको पता है कि महिंद्रा हमेशा से हमारी फेवरेट रही है, तो इसलिए महिंद्रा की ईवी देखना तो बनता ही है। और ये मेरे को ऐसा लग रहा है मैं BMW में बैठ गया हूँ। स्टार्ट भी करके देख लेते हैं। अभी इसमें ऐसा भी है कि सिर्फ आपकी पॉकेट सेविंग के लिए नहीं है, बट गाड़ी में पावर एंड टॉर्क की भी कोई कमी नहीं है। अभी जो हमारी जो गाड़ी है ये आपको 150 BHP की पावर देती है एंड 310 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोवाइड करती है। 150 BHP? हाँ जी। 0-100 जो है गाड़ी 8.3 सेकंड्स में चली जाती है। तो मतलब मेरे पास अभी जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें से कोई भी गाड़ी, एक ऑडी को छोड़ के, बाकी कोई भी गाड़ी ये नंबर अचीव करने वाली नहीं थी। और ये रहेगी फ्रंट व्हील ड्राइव। टॉप और बेस का भी है कि इसमें एक ही आता है? ठीक है, आपका EL प्रो है, ठीक है, EC प्रो भी आता है। इसमें मोड्स वगैरह ज्यादा नहीं आते? वो इसमें एक लाइवली मोड आ जाता है जिसे हम जेन मोड कहते हैं, सिंगल पेडल ड्राइव, ठीक है। उसका सिंपल सा काम होता है, आप सिटी ड्राइव कर रहे हैं या आप सिर्फ ब्रेक दबाने की जरूरत नहीं है, एक्सीलेट करेंगे गाड़ी चलेगी, एक्सीलेशन छोड़ेंगे तो डी एक्सीलेट होगी और गाड़ी हल्की हल्की सी ब्रेक मारेगी। ओके। तो वो आपको एक लाइवली मोड आ जाता है। उसके अलावा इसमें ड्राइव मोड्स आ जाते हैं आपके, ठीक है, फन फास्ट फेयरलेस आपको मिल जाता है। वो कहाँ से शिफ्ट होते हैं जैसे? ड्राइव मोड्स आपके वहाँ पर है। अच्छा, ये यहाँ पे आ गए, ठीक है ठीक है ठीक है। फेयरलेस आपका जो है 150 BHP की पावर आपको उसी में फील होती है, फेयरलेस मोड। अच्छा, फेयरलेस मोड में। तो ये कुछ सीन है, बाकी गाड़ी एकदम सनरूफ वगैरह सब कुछ प्रॉपर है। फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिक ही है, बिकॉज आपकी पॉकेट पे भी लाइट है, और जैसे हमारे नॉर्म्स वगैरह बन रहे हैं डीजल पेट्रोल वैसे ही बंद होने वाला है, तो ईवी इज द फ्यूचर। फिर मैंने कहा चलो आए हैं तो एक बढ़िया सी ईवी देख लेते हैं। गाड़ी मैंने आपको ऐसे तो अंदर से दिखा दी, बट अब आए हुए हैं तो प्रॉपर वाली टेस्ट ड्राइव लेके देखते हैं कि भाई क्या क्या सीन है, कैसे है। तो अभी टेस्ट ड्राइव के लिए जो है वो सारा कर रहे हैं, जो भी उनकी रहते हैं नॉर्म्स वगैरह, तो वो करके फिर टेस्ट ड्राइव लेके दिखाता हूँ कि हाँ भाई ड्राइव में क्या फील है, वो 150 BHP फील हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या मैं पहली बार एक ईवी चलाने वाला हूँ, तो सारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ। यहाँ पे आपको दिख रहा है महिंद्रा का एक हमें मैसेज है जो आया है, उसका रीज़न ये है कि भाई महिंद्रा की तरफ से ना आपको वैलिडेशन का मैसेज आएगा कि जिस बंदे के लिए इंक्वायरी की जा रही है क्या वही बंदा है टेस्ट राइड लेने वाला। जो हमें गाड़ी टेस्ट राइड के लिए मिली है वो सेम वही गाड़ी है जो अंदर आपने देखी थी। अर्श भाई, इसको कलर क्या है? ये वाइट और कॉपर, काफी अच्छा सा है, मतलब डुअल टोन है, लेकिन ये जो छत का कलर है ना ये बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। अभी चार्ज, अच्छा यहाँ से आप देख लो, ये हो गया इसका चार्जिंग का। तो ये टाइम कितना लेती है, जैसे फुल चार्ज होने में कितना टाइम ले लेगी? जैसे 7.2 किलोवाट का चार्जर जो हमारे घर पे इंस्टॉल होगा उसमें 6-7 घंटे में चार्ज होती है एसी चार्जर में। और डीसी चार्जर जो बाहर लगे हैं, अगर 50 किलोवाट का चार्जर है तो आपको 0-80% आपकी 50 मिनट्स में हो जाती है। ओके, तो ये वाला कौन सा है? ये हमारा 25 किलोवाट का लगा हुआ है, जो मतलब डीसी चार्जर है। लाइट तो ऐसे लग रही है जैसे आफ्टर मार्केट है डलवाई होती पूरे एलिमेंट्स के साथ साथ। जो है इसका स्टेयरिंग, अब जा तो इसमें दो चीजें होती हैं कि हम जो गाड़ियां डेली ड्राइव करते हैं हम उससे कंपेयर करें तो इतना लाइट लग रहा है, या इसका सच में बहुत ज्यादा लाइट है। इसका लाइट है, इसका लाइट है, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग आता है। अरे, जब मेरे पास ऑडी थी ना मुझे लगता था कि उससे लाइट स्टीयरिंग, मैंने नहीं कभी किसी गाड़ी का, लेकिन ये मुझे उससे भी ज्यादा लाइट फील हो रहा है। तो जैसे ही हम गाड़ी को करते हैं स्टार्ट तो ये आती है सीधा फन मोड में, ठीक है, और फन मोड आया और कौन कौन सा था? फियरलेस, फन फास्ट एंड फियरलेस, ठीक है। और जो फन मोड है बेसिकली वो रहेगा हमारा इकोनॉमी मोड जिसमें ये ज्यादा एफिशिएंसी देगी, ठीक। इसमें क्या है कि हमें पावर थोड़ा सा कम फील होगा लेकिन मुझे वो चलाने में कहीं भी कम फील नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा स्मूथ फील हो रही है इवन की फन मोड पे। तो एक बारी फियरलेस के लिए इसे हाईवे पे ले जाएंगे और वहां पे चेक करेंगे जो ड्राइव का आपको एक्सपीरियंस इसमें मिलने वाला है। हालांकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई पेट्रोल गाड़ी चलाने का मजा अपना ही है, डीजल गाड़ी चलाने का अपना, नो डाउट
ठीक है डीजल पेट्रोल गाड़ियों का अपना फन है, बट मैं डीजल और पेट्रोल गाड़ी दोनों ही चलाता हूँ, मेरे पास फिलहाल के लिए कोई ईवी भी नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ईवी भी अच्छी है हर एस्पेक्ट में, आपको ड्राइव में बहुत ज्यादा मजा आने वाला और कंफर्ट जो है इस गाड़ी में नेक्स्ट लेवल। ये रोड जब मैं अपनी दूसरी गाड़ियों पे कवर करता हूँ तो सारा अंदर का सिस्टम हिल जाता है, बट यहाँ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। तो पहले ये रहता था कि भाई ईवी गाड़ी है, पावर नहीं है, एसी चलेगा नहीं चलेगा, इधर कुछ भी हम दबा के चलाएं कहीं से पावर में कोई कमी महसूस नहीं हो रही, मतलब जैसे एसी फुल भी कर दे रहे हैं ना तो भी कहीं भी कोई भी कमी नहीं हमें महसूस हो रही कि हाँ भाई पावर लैग हो रहा है, पावर ड्रॉप हो रहा है ना, बाकी सारी चीजें एक बार आगे पहुंचते हैं फिर बताते हैं आपको कि इसमें कौन सा सस्पेंशन है। फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पिंग जिसे हम कहते हैं FSD सस्पेंशन, वो हमेशा मेक श्योर करते हैं जैसे आप प्लेन रोड से रफ रोड में जा रहे हैं तो सस्पेंशन अपने आप अपनी फ्रीक्वेंसी सेट्स कर लेते हैं कि कितना जर्क हमें देना है गाड़ी में ताकि आपको अंदर कंफर्ट रहे और ज्यादा जर्क फील ना हो। जैसे पक्के से कच्चे में भी जा रहे हैं ना तो गाड़ी को वो चीज फील ही नहीं हो पा रही, और बड़ी सारी चीजें इसमें जैसे जो है वो XUV700 से कह सकते हैं इंस्पायर है, वैसे जैसे इसकी डिस्प्ले हो गई, जो सस्पेंशन है ये भी उसमें ही आता है। पहुंच चुके हैं रिंग रोड पे, तो यहाँ पे अभी हम जो है मोड को कर लेंगे चेंज, बस वन क्लिक करिए, अभी आपका ये फास्ट मोड पे है, फास्ट मोड एक्टिवेटेड। तो हमने फियरलेस पे चलाना था, फियरलेस और फास्ट में क्या क्या डिफरेंस है? फास्ट में थोड़ी सी पावर और बढ़ जाएगी, फियरलेस में आपकी जो है पूरी जितनी गाड़ी की पावर है पूरी आ जाती है। तो फिर फियरलेस में चलाएं कि फास्ट में चलाएं? आई थिंक फियरलेस पे चलाना ज्यादा बेटर है। ठीक है, फियरलेस मोड जो है वो एक्टिवेटेड हो गया। तो कुछ इस तरह का डिस्प्ले है, यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन वगैरह आती है? इसमें आपका ईवी स्टैटिक्स आ जाते हैं, इसमें आपको बताते हैं कितने ट्रीज आप सेव कर रहे हो, कितने किलोमीटर चल रहे हो, चार्जिंग के लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाती है जब हम चार्ज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिल जाता है, ऑफलाइन नेविगेशन मिल जाती है। ठीक है, ट्राई करेंगे रोड साइड सिस्टम्स, वैले मोड वगैरह आपको इसमें आ जाता है। ओके, इसमें आपको कनेक्टेड कार्स एप्स मिल जाते हैं। सही है, सही है। तो काफी सारे फीचर्स आपको यहीं पे मिल गए, बाकी कुछ बात कर लें तो ये हमारा एसी आ गया, ड्यूल जोन ऑटोमेटिक, हाँ ड्यूल जोन ऑटोमेटिक आ गया, बाकी ये फैन की स्पीड वगैरह आ गई और चार्जिंग के लिए आपको सॉकेट वगैरह मिल गए, वायरलेस चार्जिंग भी है, वायरलेस चार्जिंग, क्या बात है, प्रेस करना पड़ेगा तो पार्किंग में आ जाएगी। ओके, तो ये भी मुझे काफी अच्छा, मतलब मुझे ये नॉब मैं बताऊं स्पेसिफिकली ये काफी अच्छा लगा। अब एक बार फियरलेस मोड में गाड़ी को करते हैं ड्राइव। अच्छा, एल क्या आ गया? ये आपका सिंगल पैडल ड्राइव जैसे हम कह रहे थे सिटी ड्राइव के लिए, जैसे हम सिटी ड्राइव कर रहे हैं तो बार बार ब्रेक प्रेस करने की जरूरत नहीं। ठीक है, डी एक्सलेट करिए, गाड़ी हल्की हल्की से रुकने शुरू कर देती है। ओके ओके ओके, तो ये चीज वो आ गई। आपका बैटरी जनरेशन भी होती है, आपकी जो पावर है ना टायर्स की पावर, जो काइनेटिक एनर्जी, उसको कन्वर्ट करके वापस वो बैटरी में लेके जाती है गाड़ी। यहाँ पे अभी जैसे आप अभी देखो ना तो इसमें सिर्फ रिवर्स और ड्राइव और पार्किंग ही दिखता है, लेकिन जब आप इसको क्लिक करते हो तो एल तब दिखता है। अब तो मुझे लग रहा है ये सिर्फ उस पे पैडल छोड़ने पे ही भागने लग गई है। क्या बात है, ये फियरलेस मोड सिर्फ नाम का फियरलेस नहीं है, ये सच में फियरलेस ही है, मतलब ऐसा है कि इस मोड को लगाने के बाद आप फियरलेस बन जाओगे। मोड के लिए दोनों हाथ स्टीयरिंग पे होने चाहिए। टॉप स्पीड कितनी है इसकी? टॉप स्पीड 160 तक चली जाती है। की फियरलेस तो हमने चला लिया, एक बार ही फास्ट भी चलाते हैं। ड्राइव के हम चेंज कर सकते हैं? चलो जी, अभी फन आ गया। ओके, तो वही है जैसे वो ना आपको फील हो जाता है गाड़ी में कि हाँ भाई चेंज आ गया पावर में। तो एक बार आपको एल मोड जो है वो दिखा देंगे, एल आ गया ना, ये जैसे मैंने एक्सलेट नहीं कराया तो ये नहीं चलेगी, चल रही है एंड अपने आप रुक गई है। तो ऐसा नहीं है कि छोड़ते ही बिल्कुल उसी टाइम रुक जाएगी, बट विद इन मेरे को लगता है जितनी आपकी स्पीड है उसके हिसाब से कि आपको अंदर किसी भी तरह का, हाँ मतलब किसी भी तरह का कोई आपको रिस्क जब है वो ना रहे, क्योंकि स्पीड में अचानक से गाड़ी भी नहीं ना रुकेगी। जैसे देखिए हम लगा लेते हैं अगर 100 पे है, मैंने छोड़ दिया एंड गाड़ी अपने आप आपकी सेफ्टी के अकॉर्डिंगली ठीक है ना आस्ते आस्ते स्लो होगी। एंड मुझे लग रहा है 100 की स्पीड पे ये विद इन 100 या 200 मीटर में रुक गई है। फिर आपकी गाड़ी पीछे जाएगी, गाड़ी में आपको हैंड ब्रेक मिल जाती है ऑटोमेटिक में, बट काम पीछे हो जाता है। तो चलिए अब आपको बाहर से एक बार गाड़ी खोल के दिखाते हैं पूरी। चलो जी, कि बाहर क्या क्या है। तो साउंड देखो, मतलब ऐसे हमारी कोई भी गाड़ी कभी भी स्टार्ट हो तो उसकी जो आवाज़ आती है, लेकिन बिल्कुल भी कोई हमें माइक वाइक की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। तो पहली बार ईवी भी मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे आपका सारा थर्मल ब्रेकर सिस्टम, बैटरी ब्रेकर सिस्टम, ये सारी चीज़ें आ जाती है। ये सब
मतलब नॉर्मल से इसकी सर्विस कॉस्ट भी कम रहने वाली है। तो बेसिकली आपको गाड़ी खरीदने में ही कॉस्ट है, उसके बाद चलाने में, सर्विस में, हर एक चीज में कम है, तो डेली ड्राइवर्स के लिए ये एक अच्छी चीज रहने वाली है। सारा सिस्टम हमने आपको दिखाई दिया है, बाकी धूप काफी ज्यादा है पर ये जगह बहुत अच्छी लगी इस ईवी को खड़ा करने के लिए। एक बार बूट स्पेस भी दिखाएंगे इसकी कि मतलब अगर आप ट्रैवल कर रहे हो फैमिली के साथ या वैसा तो आपको स्पेस पीछे ओके 380 लीटर ना। पर मुझे सबसे सही पता क्या लगता है, इसकी टेल लाइट्स ऐसा लग रहा है आफ्टर मार्केट है। अभी आपको एक बारी गाड़ी का ना म्यूजिक सिस्टम भी सुना देंगे कि भाई स्टॉक में म्यूजिक कैसी आवाज है, आपको अपग्रेड की जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर नहीं पड़ेगी, सारी चीजें बतानी जरूरी रहती है। तो म्यूजिक सिस्टम की आवाज भी आपने सुन ली होगी, कैमरा उतना जस्टिफाई नहीं कर सकता बट म्यूजिक सिस्टम भी मुझे इसका ओके ओके लगा है, बिल्कुल ठीक है। बस थोड़ा सा बेस में अगर आपको जरूरत पड़ेगी, अगर आप लाउड वैसा सुनते हैं तो आपको जरूरत पड़ने वाली है, अदरवाइज म्यूजिक सिस्टम भी एकदम ओके है। लगभग सारी चीजें हमने आपको गाड़ी के बारे में बता दी, तो अब सबसे मेन चीज आ जाती है कि भाई साहब इतनी बढ़िया गाड़ी आपको पड़ेगी कितने की। हर्ष भाई, ये गाड़ी आपको ऑन रोड 18 लाख के करीब पड़ रही है, जिसमें 50,000 हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, कैश कैश डिस्काउंट इंक्लूड करके 18 तक पड़ रही है। 18 लाख की ऑन रोड है विद 50,000 कैश डिस्काउंट जो अभी के लिए चल रहा है ऑफर। एक चीज और डाउट वाली रहती है, सारी मैंने अच्छी चीजें तो आपको बता दी बट फिर उसके बाद मसला आ जाता है रिलायबिलिटी का कि भाई साहब चलेगी कितनी, क्या होगा फ्यूचर में, बिकॉज ईवी एक नई सी टेक्नोलॉजी है और मोस्टली ऐसा डाउट रहता है लोगों को। तो हर्ष भाई मुझे बताएंगे कि इसमें कंपनी हमें किस तरह से सपोर्ट कर रही है। 8 साल की आपको गाड़ी कंपनी जो है वारंटी दे रही है 1,60,000 किलोमीटर तक, जो 8 साल में आपको कोई भी बैटरी के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, अगर मोटर के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट ही चेंज करके देगी। उसके बाद जैसे कि बहुत सारे कस्टमर्स में डाउट रहता है कि 8 साल के बाद गाड़ी हमें पूरी चेंज करनी पड़ेगी, अपनी बैटरी पूरी चेंज करनी पड़ेगी, तो वैसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। 8 साल के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपकी गाड़ी की रेंज कम हो रही है तो चेक करके उसमें कोई, जैसे हमारी एक्चुअली हुई 4W में 8 मॉड्यूल्स हैं, पर और मॉड्यूल में 12 सेल है, टोटल 96 सेल्स हैं। कोई भी एक सेल खराब हुआ तो वो आपका एक मॉड्यूल चेंज होगा एंड पूरी बैटरी चेंज नहीं होगी। ये सबसे बड़ा जो आपका कस्टमर का डाउट था। एंड उसके बाद जैसे मान के चलते हैं आप 1 लाख किलोमीटर चला रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 6% बैटरी जो आपकी डिक्लाइन होगी, जो बैटरी की रेंज जो है 6% घटेगी। अगर 280 किलोमीटर रेंज दे रही है तो ज़्यादा 260 या 270 देगी, एंड अगर आप उसमें भी ओके हैं, आपको कोई इशू नहीं है 270 के साथ आराम से चला सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 8 साल के बाद गाड़ी स्क्रैप करनी पड़ेगी या बैटरी पूरी चेंज करनी पड़ेगी, आप 15 साल पूरा चला सकते हैं। मेजर डाउट था कि भाई क्या लाइफ का सीन रहने वाला है, वारंटी कैसे है या क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपको मैंने बता दी और उम्मीद करते हैं आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी काफ़ी आप सब लोगों के लिए कि भाई साहब ईवी के रिलेटेड जो भी डाउट्स वगैरह होंगे, काफ़ी डिटेल में मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है और अपना ड्राइव एक्सपीरियंस है वो भी आपको बताया है और मैं गाड़ी के बारे में क्या फील करता हूँ मैंने अपना एक ओवरव्यू काउंट ऑफ किया है। पहुँच चुके हैं वापस और गाड़ी जो है वो हमने कंपनी में हैंड ओवर कर दी है। तो वीडियो के लिए स्पेशल थैंक्स एस्ट्रो महिंद्रा। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी तरह की और वीडियोज देखने के लिए स्टे ट्यून्ड।